जुपिटर स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ जी मैम। मैम। ओके, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था साइटोक्रोम्स के बारे में, और हमने उसका इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन भी, और थोड़ा सा फाइटोक्रोम्स के बारे में भी हमने देख लिया था, फोटोरिसेप्टर्स का इंट्रोडक्शन और फाइटोक्रोम को स्पेसिफिकली हमने स्टार्ट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि विच फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव, और कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि फाइटोक्रोम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, या फाइटोक्रोम उनके ज़रिए जीन की रेगुलेशन करता है। और इसके अलावा हम जीन एक्सप्रेशन को भी देखेंगे और रोल्स भी देखेंगे कि फाइटोक्रोम्स जो हैं वो कौन कौन से रोल्स प्ले करते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किए जा सकते हैं, और फाइटोक्रोम्स कितनी टाइप्स के हैं, ये सारी चीज़ें आज के हमारे लेक्चर में शामिल होंगी। जी, तो हम पहले ये बात कर चुके हैं कि फाइटोक्रोम की दो फॉर्म्स हैं ओवरऑल, PFR एंड PR, और उनमें से जो PFR है, जब फाइटोक्रोम रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं तो PFR फॉर्म बनती है, और जब फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं तो PR फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर दोनों फॉर्म्स को आपस में कंपेयर करें तो PFR फॉर्म जो है, दिस इज द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम। हाउ इट इज प्रूव्ड? इट इज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स, जिनके रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि फाइटोक्रोम की जो PFR फॉर्म है, दिस इज द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। दो तरीके कार थे जिनके जरिए इस आप कह लें कि इस हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव किया जाता। एक तो ये कि जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता उसकी मैग्नीट्यूड देखी जाती कि आया वो कितनी कितना रिलेशनशिप रखता है किस फॉर्म्स के साथ, क्या वो PR फॉर्म के वहाँ से रिप्लेस हो जाने से या डिग्रेड हो जाने से जो है वो उसकी वो रिस्पॉन्स आता है, या PFR फॉर्म के अपीयर होने से वो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो शो होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है उससे हमें पता चला कि PR फॉर्म के डिग्रेड होने का इतना ताल्लुक नहीं है जितना कि PFR फॉर्म के अपीयर होने का ताल्लुक है किसी भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को होने के लिए। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि PFR फॉर्म जो है, दिस इज अ फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। जी बेटा, कुछ कहना है? किसी ने कोई मैसेज किया है? बेटा कर चुकी हूँ, जितने भी आए हैं कर चुकी हूँ। ओके, तो इस पूरी स्लाइड का मकसद सिर्फ बताने का आपको यही है कि PFR फॉर्म जो है, जो कि रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करने के बाद फाइटोक्रोम की अपेयर होती है, दिस इज़ द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम की जितनी भी टाइप्स हो वो सब की सब PFR फॉर्म में जो है वो अपने जो आप कहने के जो मेजर रोल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि वो फाइटोक्रोम की वजह से जो है वो होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द PFR फॉर्म। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि अगर हम प्लांट को ओवरऑल देखें, और स्पेशली ऐसे प्लांट को जिस जो किसी ट्री की के नीचे उगा हुआ है या किसी ट्री के नीचे जो है वो ग्रो कर रहा है, इन दैट केस एक प्लांट को फुल जो सनलाइट है दैट इज़ नॉट अवेलेबल, और कैनोपी से गुजरने वाली जो लाइट है, कि पहले भी शायद मैंने आपसे बात की होगी कि कैनोपी के नीचे जब जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं उनको उनके पास रेड लाइट और ब्लू लाइट जो है वो उसका प्रपोर्शन बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर होता है उसमें, और उसमें जो मेजर प्रपोर्शन आता है जो कि रिसीव होता है प्लांट्स को, दैट इज़ फार रेड लाइट। तो इसी तरीके से तमाम प्लांट्स को, क्योंकि एक जैसी लाइट्स भी अवेलेबल नहीं होती, तो ये जो प्रपोर्शन है कि आया किसी भी प्लांट में रेड एंड फार रेड लाइट का जो प्रपोर्शन है, सॉरी आर एंड एफ आर फाइटोक्रोम का जो प्रपोर्शन है, दिस विल ऑल्सो डिसाइड that how much light and which quality of the light is available to the plant. Means के ये quality of the light को sense करने के लिए भी R and FR ratio जो है वो या आप कहने के phytochrome R and phytochrome FR जो है ये light की quality को और quantity दोनों को sense करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। Physiological response के लिए तो PFR ही work करेगा, लेकिन light की quality को sense करने के लिए इनकी ratio जो है that will determine that कि जो आने वाली जो लाइट है उसमें FR जो है वो लाइट ज़्यादा है, फॉर रेड लाइट ज़्यादा है, या उसमें ब्लू एंड जो रेड लाइट है वो भी अवेलेबल है। तो ये प्लांट इनके ज़रिए ही, इनकी रेशियोज़ के ज़रिए ही इस चीज़ को सेंस करते हैं।
लाइट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को. नाउ गोइंग मूविंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइटोक्रोम, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स के जिनके अंदर दो प्रोपोर्शन पाए जाते हैं. एक इनका क्रोमोफोर रीजन है जो कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, और दूसरा इनकी प्रोटीन है, और दोनों मिलके जो है वो एपोप्रोटीन बनाएंगे, और सॉरी दोनों मिलके जो है होलो प्रोटीन बनाएंगे, एंड विदाउट क्रोमोफोर जो प्रोटीन है दैट विल बी नोन एज एपोप्रोटीन. ओके, तो इसी के बारे में हम देखेंगे क्रोमोफोर कैसा है इसका, और इसकी प्रोटीन जो इसके साथ ये अटैच होती है क्रोमोफोर के साथ वो कहाँ पे अटैच होती है, और इस सारे की मतलब पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम देखेंगे. ओवरऑल अगर आप फाइटोक्रोम को देखें तो इट्स फंक्शनली एक्टिव जो फॉर्म है दैट इज द डाइमेरिक फॉर्म, मीन्स के इसकी जो दो यूनिट जो है वो आपस में कंबाइन करके डायमर बनाते हैं. और ओवरऑल अगर इस पूरे डायमर की प्रोटीन को अगर आप देखें तो दैट इज अबाउट 250 किलो डेल्टन, मीन्स के एक प्रोटीन जो है दैट विल बी कंसिस्टेड ऑफ 125 किलो डेल्टन, और ओवरऑल क्योंकि डायमर बनता है तो 250 किलो डेल्टन की प्रोटीन इसके पास अवेलेबल होती है. इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया कि इसके साथ एक क्रोमोफोर रीजन भी होता है जो कि लीनियर टेट्रापायरोल होता है. ऑलरेडी अगर आप लोगों ने फाइटोक्रोम पढ़े हुए हैं तो यकीनन आपको उसका थोड़ा बहुत याद होगा कि इसके अंदर चार जो है वो रिंग्स होते हैं ए बी सी डी, और ये साइक्लिक मैनर में नहीं होते, लीनियर टेट्रापायरोल होता है. और प्रोटीन के रीजन में ही अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को हम अलग अलग जो है वो डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन में क्या होता है और क्रोमोफोर में क्या होता है, तो अगर ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिलेट करें कि आया इसकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है, तो किस तरह की प्रोटीन थी पहले ऑर्गेनिज्म में, किस तरह की प्रोटीन थी, और बाद में आने वाले जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो प्रोटीन है वो उनके साथ किस तरह रिलेट करती है, तो यही जो आपस में कंपैरिजन है इसी से हमें इनकी एवोल्यूशन का पता चलता है. तो अगर इसको कंपेयर किया जाए बैक्टीरियल, आप कह लें कि फाइटोक्रोम्स या बैक्टीरियल, बैक्टीरिया में पाए जाने वाली जो प्रोटीन है जो कि फाइटोक्रोम की प्रोटीन के तौर पे काम करती है, अगर उनके साथ हम इनको कंपेयर करें तो वी विल सी मैनी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज एज वेल. जैसा कि अगर हम देखें फाइटोक्रोम जो है बैक्टीरिया का, तो उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि हिस्टिडीन काइनेज डोमेन पाई जाती है, और हिस्टिडीन काइनेज डोमेन जो है ये हायर प्लांट्स में की जो फाइटोक्रोम है इनमें ये एबसेंट होती है. इसके अलावा फाइटोक्रोम्स जो है ओवरऑल अगर आप एंजियोस्पर्म में देखें तो इसकी पांच तरह की फॉर्म्स जो है वो पाई जाए. एक तो ये फॉर्म्स है ना जो कि आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, पीआर है एंड पीएफआर है, तो इसके अलावा भी पांच तरह के या टाइप्स के आप कह लें कि इसकी जो आइसो फॉर्म्स हैं दो आर अवेलेबल, जिनको आप फाइटोक्रोम ए बी सी डी एंड ई के नाम से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे. हर एक जो फाइटोक्रोम की आइसोफॉर्म है वो एक अलग जीन जो है उसको जो है आप कह लें कि उसको एक्सप्रेस करवाता है. तो ओवरऑल हम इसको लिखेंगे फाइटोक्रोम ए से लेकर ई तक, यानी कि पांचों को आप ए टू ई लिख सकते हैं, और कैपिटल ए बी सी डी एंड ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में आपको ये पाँचों के पाँचों जो आइसोफॉर्म्स हैं फाइटोक्रोम की वो मिलें, तो कुछ प्लांट्स में पांचों अवेलेबल हो सकती हैं और कुछ में तीन होंगी, दो होंगी, डिपेंडिंग ऑन कि जितनी रिसर्च हो चुकी है और जिस चीज के बारे में हम जान चुके हैं उसके हिसाब से देखें तो अरेबिडोप्सिस में पांचों जो फॉर्म्स हैं पाई जाती हैं ए बी सी डी ई. और जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस मैम, मैंने पूछना था कि जिस तरह पीएफआर और पीआर दो तरह की हैं और ये पांच भी हैं तो टोटल सेवन काउंट होंगी या नहीं बेटा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आपका तो बनता ही नहीं है क्वेश्चन. ये मैंने आपसे कहा है कि एक फाइटोक्रोम जो है उसकी आगे, अच्छा यूं समझ लें इसको कि उसकी आगे, वैसे तो टाइप्स कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो आप कह लें कि उसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स ही हैं, तो आप समझ लें कि एक जो फाइटोक्रोम्स है उसकी पांच तरह की टाइप्स है, पांच तरह की जीन्स हैं जो कि डिफरेंट फाइटोक्रोम्स बना सकते हैं, फाइटोक्रोम ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, अच्छा अब फाइटोक्रोम ए जो है ना ये भी ये दो तरह की फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, फाइटोक्रोम ए पी आर फॉर्म में भी हो सकता है, फाइटोक्रोम ए पी एफ आर फॉर्म में भी, सबके लिए होगा. हाँ जी, इसी तरह फाइटोक्रोम बी जो है उसकी भी पी आर फॉर्म भी होगी, पी एफ आर फॉर्म भी होगी, फाइटोक्रोम सी पी आर फॉर्म, पी एफ आर फॉर्म एंड सो ऑन. मतलब
किसी भी तरह का जो फाइडोक्रोम, जो कि मैंने आपको कहा कि रैबिडोप्सिस के केस में 5 तरह के हैं और ओवरऑल अभी तक 5 तरह के डिस्कवर हुए हैं, तो हर जो फाइटोक्रोम है वो दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है. और इसके अलावा मैंने क्या बताया है कि PFR फॉर्म जो है दैट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव और PR फॉर्म जो है वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, बट जो इनकी रेशियोज है दैट कैन ऑल्सो सेंस द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द लाइट. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. सो हम बात कर रहे थे कि फाइटोक्रोम की स्ट्रक्चर के बारे में, और मैंने आपको बताया है कि इसकी जो प्रोटीन है ओवरऑल वो डायमेरिक फॉर्म में होती है, और ओवरऑल जो इसका जो आप कह लेंगे जो इसका जो आप कह लेंगे जो प्रोटीन का यूनिट है दैट इज 250 किलो डाल्टन, और इसके साथ इसका क्रोमोफोर मौजूद है. और मैंने आपको आपको बताया है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको कंपेयर करना होगा, हम करेंगे अभी डायग्राम में भी करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बैक्टीरियल फाइटोक्रोम के साथ कि उसके साथ ये कितने रिजेंबल करते हैं, कौन कौन सा वाला जो है वो किस तरह का है, कितनी सिमिलैरिटीज है, कितने डिफरेंसेस हैं. इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल क्रोमोफोर प्लस जो इसकी प्रोटीन है दिस विल फॉर्म द होलो प्रोटीन, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एंड विदाउट क्रोमोफोर इट विल बी द एपोप्रोटीन. ठीक है. ओके. अब हमने बात की है कि जो फाइटोक्रोम है वो दो फॉर्म्स में, कोई भी फाइटोक्रोम ए है बी है सी है डी है या ई है, कोई भी फाइटोक्रोम जो है वो दो फॉर्म्स में पाया जा सकता है. और ये भी हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि एक फॉर्म को एक ख़ास किस्म की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, जैसे कि PR फॉर्म जो है वो रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है, एंड आफ्टर अब्जॉर्बिंग द रेड लाइट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PFR फॉर्म. And similarly is the case of a PFR form that it can absorb the far red light and can be converted back into the PR form of the phytochrome. So here you can see the structure jisme ye jo half of the structure hai this is representing the ABCD jo maine aapko kaha hai ki chromophore region hai jiski jo ki linear tetrapyrrole pe maujood hai. और टेट्रापायरल हम उसको क्यों कह रहे हैं कि इसमें 4 तरह के जो है वो रिंग्स मौजूद है. ठीक है. और वैसे ये लीनियर है, साइक्लिक नहीं है. ओके. और इस टेट्रापायरोल में जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, जो कि आगे आपको हर जगह पे मतलब जो आप कह लें कि इनकी इंटरकन्वर्जन में इस्तेमाल होंगी, वो है सी और डी के दरमियान में जो जो आप कह लें कि कार्बन नंबर है, दोज आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बोथ आइसोमेरिक फॉर्म PR एंड PFR. तो क्रोमोसोम जो इसका सी रिंग है इसके साथ ही जो कार्बन है दैट इज द कार्बन नंबर 14, वेरी नेक्स्ट टू इट इज कार्बन नंबर 15, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी रोटेशन, इस सिंगल बॉन्ड की रोटेशन यानी कि इसका एंगल डिफरेंट हो जाएगा. और ये जो डबल बॉन्ड है 15 एंड 16, जाहिर है कि ये 15 है तो वेरी नेक्स्ट ऑफ द डी जो कार्बन होगी दैट विल बी द 16 कार्बन. ये जो आपको एरो नीचे की तरफ नजर आ रहा है, तो एक ये जगह है जो कि कार्बन नंबर 14 ये बॉन्ड, और एक ये जगह है जो कि डबल बॉन्ड है बिटवीन द सी 15 एंड 16. डी और सी के दरमियान में ये दो बॉन्ड्स हैं जो कि इसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स जो है बना सकते हैं. जैसा कि अगर अगर ये PR फॉर्म में है तो नाउ यू कैन नोटिस द स्ट्रक्चर. अभी आप पॉलीपेप्टाइड को भूल जाएं, उसके प्रोटीन पार्ट को भूल जाएं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अभी आप फोकस करें इस क्रोमोफोर रीजन पे, और क्रोमोफोर जिसको हम फाइटोक्रोमोब्लीन भी बोलते हैं, इसमें दो जगह हैं जिसकी रोटेशन की वजह से इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी. तो अगर ये जो फॉर्म आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दिस इज द PR फॉर्म जो कि 660 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है, और ये आप देख ही सकते हैं कि रेड लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद इन दोनों जगहों पे चेंजेस आएंगी, और वो दोनों चेंजेस इसको किस तरह कन्वर्ट कर देंगे. पहले आप देखें ये R18 नीचे की तरफ था और ये जो कार्बन आयल कार्बन थी ये ऊपर की तरफ थी. नाउ दिस हैज बीन रोटेटेड और कार्बन आयल कार्बन नीचे की तरफ चली गई है और R18 जो ऊपर की तरफ चला गया है, और वो एरो जो पहले नीचे की तरफ था नाउ इट हैज बीन वर्टेड ऊपर की तरफ चला गया है. और उसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड का डिफरेंस आया है जो कि जाहिर है कि इस तरह शो नहीं किया जा सकता बॉन्ड का डिफरेंस. तो इसकी रोटेशन की वजह से PR फॉर्म आफ्टर अब्जॉर्बिंग द रेड लाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PFR फॉर्म, एंड PFR फॉर्म को जब आप फार रेड लाइट देंगे जो कि ये कलर से रिप्रेजेंट की हुई है डार्क रेड से, तो ये दिस विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द PR फॉर्म. ओके. दिस इज नॉट द ओनली चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द क्रोमोफोर, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ PR टू PFR एंड PFR टू PR. दिस इज नॉट द ओनली चेंजेस. द चेंजेस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द यू कैन से द एपोप्रोटीन रीजन, जो प्रोटीन है उसके हिस्से में भी चेंजेस आती हैं अलॉन्ग विद द क्रोमोफोर रीजन,
दोनों हिस्सों में चेंजेस आती हैं और दोनों के चेंजेस के बाद ये पी आर एंड पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतनी सारे नॉलेज के बावजूद वी आर स्टिल नॉट क्लियर स्टेप बाय स्टेप दैट विच थिंग टेक्स प्लेस एट फर्स्ट एंड विच थिंग टेक्स प्लेस एट लेटेस्ट स्टेजेस. और अभी भी इसकी जो कन्वर्जन है दैट इज नॉट क्लियरली एंड फुली अंडरस्टूड. ओके, तो इसी अभी तक हमने जो बात की है वो मैंने आपसे बात की है क्रोमोफोर रीजन की, जिसके बारे में मैंने आपको बात की है कि वो लीनियर टेट्रापायरोल है और मैंने उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया और ये भी बताया कि पीआर फॉर्म में वो कैसा होता है, पीएफआर फॉर्म में कैसा होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एपोप्रोटीन ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइटोक्रोम. तो एपोप्रोटीन को अगर आप देखें तो जैसे किसी भी प्रोटीन के दो रीजन्स होते हैं, एक उसका एन टर्मिनल होता है, एक उसका सी टर्मिनल होता है. बिल्कुल इसी तरीके से ये भी फाइटोक्रोम की जो प्रोटीन है इसका भी एक एन टर्मिनल होगा और एक इसका सी टर्मिनल होगा. सी और एन टर्मिनल को जो हिस्सा डिवाइड करेगा, या यू कहें कि जो हिस्सा इन दोनों के दरमियान में है, जिसकी सेंट्रल पोजीशन है, और इन अदर वर्ड्स जो कि इन दोनों हिस्सों को एन और सी टर्मिनल को ज्वाइन करवा रहा है, उसको हम बोलेंगे हिंज रीजन. ठीक है, मुझे तो वो हिस्सा जो कि पुल के तौर पर काम कर रहा है इन दोनों के दरमियान में. Okay, now we will talk about one by one about the N-terminal and C-terminal. So starting from the N-terminal, जो कि होगा, जो मैं डायग्राम में आपको ले जाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ सके, फिर हम वापस इस पर आएंगे. तो डायग्राम में आप देखिए, आप सिर्फ ऊपर वाले ये जो ए डायग्राम में प्लांट फाइटोक्रोम है, सिर्फ इसी को फोकस करें. अभी नीचे वाला को इग्नोर कर दें, सारे डायग्राम को इग्नोर कर दें, सिर्फ आप इसी को फोकस करें. और मैं इसके बारे में बताना जा रही हूँ आपको कि फाइटोक्रोम का जो एपोप्रोटीन है वो किस तरह की होती है. As I told you, this one is the, मैं इसको स्लाइड शो पे ले जाती हूँ जी. ये जो है इसका बेटा, ये है इसका एन टर्मिनल. ये एंटी स्टैंड फॉर एन टर्मिनल एक्सटेंशन. ठीक है, एंटी स्टैंड फॉर एन टर्मिनल एक्सटेंशन. और ये इसका एन टर्मिनल है जिसमें आपको तीन तरह के फर्दर रीजन्स या फर्दर तीन तरह की मॉयटीज जो है वो नजर आ रही हैं, जो वेरी क्लोज टू द एन टर्मिनल है, दैट इज PAS, दूसरा है जिसको पास बोलेंगे, फिर गैफ रीजन है, फिर फायर रीजन है. जो गैफ रीजन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोफोर. मतलब अगर क्रोमोफोर ने एपोप्रोटीन के साथ अटैच होना है तो वो गैफ के, ये नजर भी आ रहा होगा आपको, ये जो P5B है दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग क्रोमोफोर. फाइडोक्रोम का जो क्रोमोफोर है या फाइडोक्रोम की जो बिलीन है, यानी क्रोमोफोर जो है, इसको हम P5B से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यू कैन सी हियर कि ये थायो लिंकेज के जरिए गैफ रीजन जो है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ थायो लिंकेज इज अटैच्ड विद द क्रोमोफोर. लेकिन इस क्रोमोफोर को हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है. तो मैं आपको बात बता रही हूँ कि एन टर्मिनल पे तीन प्रोमिनेंट रीजन है. एक है पास रीजन, फिर उसके बाद सेंटर में आता है गैफ रीजन, फिर उसके बाद आता है फाई रीजन. गैफ रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट टू द क्रोमोफोर. फाई जो है ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइटोक्रोम. उसके बाद आ जाता है हिंज रीजन, जिसको ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे मेरा इस टाइम पे कर्सर है. और उसके बाद शुरू हो जाता है आपका सी टर्मिनल. सी टर्मिनल से अगर वेरी फर्स्ट स्टार्ट से स्टार्ट करें, यानी कि सी टर्मिनल के वेरी क्लोज टू द सी टर्मिनल इज द एच के आर डी, हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन. मैंने अभी बात भी की थी कि बैक्टीरिया में हिस्टिडीन काइनेज पाया जाता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनमें हिस्टिडीन काइनेज एज इट इज मौजूद नहीं होता, इनमें हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन मौजूद होती है. मतलब प्योर हिस्टिडीन काइनेज इज नॉट अवेलेबल हेयर, बट हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन इज अवेलेबल, जो कि सम हाउ इज रिलेटेड टू द हिस्टिडीन काइनेज ऑफ द बैक्टीरियल रीजन. देन उसके बाद आ जाता है पी आर डी और पी आर डी, यानी कि दो यूनिट आप समझ लें कि पी आर डी के मौजूद हैं, और ये दोनों ही, ये तीनों कलेक्टिवली, दो यूनिट पी आर डी के एंड वन यूनिट ऑफ एच के आर डी, ये आपस में मिलके सी टर्मिनल को जो है वो बनाते हैं. ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, तो फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन्हीं मॉइटीज को देखेंगे कि दिस इज द स्टोरी ऑफ द हायर प्लांट्स. नाउ हम देखते हैं कि अगर यही फाइटोक्रोम की प्रोटीन है, इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरियल फाइटोक्रोम, जिसको CPH1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो CPH1 का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है. जो पास, गैप और PHY डोमेन है वो तो बिल्कुल सेम है जैसे कि प्लांट की फाइटोक्रोम की है, वो साइनोबैक्टीरिया की भी सेम है.
और अलबत्ता जो उसका क्रोमोफोर है दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हायर प्लांट्स क्रोमोफोर, जिसको पीसीबी से रिप्रेजेंट किया गया है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उसकी भी गैप रीजन ही है. तो सम हाउ यू कैन से दैट कि जो एंड टर्मिनल मॉइटी है ऑफ द साइनोबैक्टीरियल CPH1 दैट इज मोर रिजेम्बलिंग टू द प्लांट फाइटोक्रोम, उसके जैसी ही है बिल्कुल, सेम पोजिशन पे क्रोमोफोर अटैच हो रहा है और सेम थ्री टाइप्स ऑफ क्रोमाइटीज आर अवेलेबल देयर. बट यू कैन नोटिस हियर कि जो इसका एंड टर्मिनल है उसमें एक्सटेंशन मौजूद नहीं है. ये जो एंटी एक्सटेंशन वाज देयर इन द प्लांट फाइटोक्रोम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द साइनोबैक्टीरियल CPH1. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आप सी टर्मिनल की बात करें, तो अभी मैं बार बार बात भी कर रही थी कि इसमें एक हिस्टिडीन काइनेज पाई जाती है एंड द PRD रीजन दैट वाज प्रेजेंट इन द सी टर्मिनल ऑफ द फाइटोक्रोम प्लांट फाइटोक्रोम दिस इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द साइनोबैक्टीरियल रीजन. सिमिलरली इफ यू कंपेयर इट विद द बैक्टीरियल, मतलब अदर देन साइनोबैक्टीरिया, द बैक्टीरियल फाइटोक्रोम प्रोटीन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें, तो यू विल सी द सेम पास गैप एंड द फाइटोक्रोम रीजन्स और द मॉइटीज ऑन द एंड टर्मिनल एंड एच की जस्ट लाइक द साइनोबैक्टीरियल CPH1 मॉइटी ऑफ द सी टर्मिनल हियर एज वेल. लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि अभी तक हमने नोटिस किया कि फाइटोक्रोम्स के जो ऊपर वाले दोनों फाइटोक्रोम्स हैं उनमें जो क्रोमोफोर है जैसे P5B एंड PCB इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये अटैच होते हैं गैफ रीजन के साथ, थायो लिंकेज के जरिए गैफ रीजन के साथ अटैच है. लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करें कि गैफ रीजन के करीब ज़रूर है जो उसका बिलीन जो उसकी प्रोटीन है अबलीन जो क्रोमोफोर है वो गैफ रीजन के पास ज़रूर है, लेकिन वो उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है. लिंक्ड वो किसके साथ है? एंड टर्मिनल की के अंदर जो आप कह लें कि सिस्टीन रेजिड्यू होगा उसकी आप कह लें कि उसके साथ मिलकर ये इसके साथ अटैचमेंट होगी. तो ये एक मेजर डिफरेंस है बाकी दोनों फाइटोक्रोम से, साइनोबैक्टीरियल और प्लांट फाइटोक्रोम से, कि इसका जो क्रोमोफोर है दैट इज नॉट अटैच विद अ गैप रीजन. और वैसे इसमें भी गैप और पास और फाइटोक्रोम रीजन पाए जाते हैं, और इसमें एक चीज़ जो है वो साइनोबैक्टीरिया की तरह की है कि इसमें HK है, हिस्टिडीन काइनेज रीजन है ऑन द सी टर्मिनल, और बाकी ये जो पास गैप और PHY ये तीनों में मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमें इंडिकेट करते हैं कि ये तीनों का काम जो है वो एक ही है, यानी कि तीनों फाइटोक्रोम को ही की प्रोटीन को ही रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, नाउ मूविंग कर दें जी बेटा, क्या लैटिन कर दें बच्चों को मसला, तो खुदा आपका खौफ किया करो, आधा लेक्चर गुजर जाता है और आपका लैटिन लैटिन नहीं जो है ना वो चलता रहता है. ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे इस डायग्राम की, तो इसी डायग्राम की जो आप बी पार्ट में अगर देखें तो देयर इज नथिंग यू कैन से यूनिक हियर. इसी के कलर कोड्स के जरिए इनको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब रिबन लाइक फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई गई है, जैसे कि जो एंड टर्मिनल का पास रीजन है दिस इज रिप्रेजेंटेड हेयर इन द ब्लू कलर, ग्रीन रीजन जो ग्रीन कलर के रिबन आपको नजर आ रहे हैं ये गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑरेंज कलर के रिबन आपको नजर आ रहे हैं ये 5-PHY को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरीके से जो इसका आप कह लें कि रीजन ये जो आपको लाइट ब्लू कलर ये वाला ब्लू कलर है ये जो ब्रीक्स बारीक से जो आपको नजर आ रही है क्रोमोफोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हाफ जो है सॉरी ये मैंने इसको पूरा ही हिला दिया, ये हाफ जो है मतलब रिबन का ये वन हाफ जो है ये एक डायमर है ना ये, तो एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरा जो कि कलरलेस दिखाया गया है ये दूसरे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो क्रोमोफोर है वो यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, यही क्रोमोफोर यहाँ पे भी मौजूद है और यही क्रोमोफोर यहाँ पे भी मौजूद है, और ये उसका दूसरा हिस्सा है और ये उसका एक हिस्सा, मतलब ये क्योंकि डायमर की फॉर्म में ये मौजूद होती है. इसके अलावा इसकी जो प्रोटीन है उसको फर्दर आप और भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं प्रोटीन को, एक तो ये इसके रीजन के डिफरेंट रीजन के हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर रहे हैं ना कि सी टर्मिनल पे क्या है और वहाँ पे HKRD है या PRD है या उसमें PHY है या गैफ है या पास है या एंड टर्मिनल है, एक तो ये चीज़ है, या क्रोमोफोर कहाँ पे मौजूद है, एक तो ये चीज़ है. एक ये चीज़ है कि कुछ हिस्सा जो इसका आप कह लें कि जो प्रोटीन का है वो हेलिकल फैशन में होता है, और एक कुछ हिस्सा जो है वो जिसको हम कहेंगे हेलिकल स्पाइन,
हेलिकल फैशन में, जैसे कि ये हेलिकल फैशन में मैनर में आपको ये रोटेशन नजर आ रही होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, इसको हम बोलते हैं हेलिकल स्पाइन। और ये जो हिस्सा है आप कहने के, ये वाला जो हिस्सा, ये जो यहाँ पे हेयर पिन लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे, ये जो लूप्स बना रहा है इसको हम कहेंगे कि दिस इज द हेयर पिन। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस अगली डायग्राम में आनी है, तो वहां पे ज्यादा आपको जाके क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या इसमें आपको बताना चाह रही थी। ओके, सो अगर वापिस अगर आप जाएं तो ये सारी वही बातें जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट डोमेन क्या है, गैप डोमेन क्या है, और पी एच वाई किस मकसद के लिए होती है, और डाउन स्ट्रीम जो है वो पास्ट रिलेटेड डोमेन यानी पी आर डी मौजूद है। अच्छा, पी आर डी की एक और खास बात भी है जो कि आगे भी जाके एक्सप्लेन होगी कि पी आर डी, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि डू यू नो कि अगर कोई प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेना चाहे, मतलब साइटोप्लाज्म में वो मौजूद हो और वो न्यूक्लियस में जाना चाहे, तो उसको एक खास किस्म का सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बताएगा? न्यूक्लियस में एंट्री के लिए किसी भी प्रोटीन को जो एक सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है अमीनो एसिड का, उसको हम क्या बोलते हैं? जी, कोई भी नहीं बताएगा? NLS, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, किसी को याद नहीं है ये? कोई 100 टाइम्स तो मैंने ही प्लांट फिजियोलॉजी में ये पढ़ाया होगा बच्चों, और जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं आप, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ ली होगी आपने 8वें सेमेस्टर में, अभी भी कुछ ना कुछ टच होगा उसके साथ। एनी हो, तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल हर उस प्रोटीन को रिक्वायर्ड होता है जिसने न्यूक्लियस के अंदर एंटर होना है, इसके बगैर कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो ये जो पास्ट, ये जो पी आर डी डोमेन है ना, जिसका मैंने आपको बताया कि ये हायर जो हायर प्लांट्स के जो प्लांट फाइटोक्रोम है उसमें ये पी आर डी डोमेन टू टाइम्स जो है वो पाई जाती है, तो पी आर डी जो है ये एज एन एल एस के तौर पे भी सर्व करती है फॉर फाइटोक्रोम बी, बट ओनली फॉर द फाइटोक्रोम बी, नॉट फॉर फाइटोक्रोम ए, ठीक है? उसके लिए ये एन एल एस के तौर पे भी काम करती है, ये प्योर एनएलएस नहीं है, लेकिन ये एनएलएस के तौर पे बिहेव करती है जब भी फाइटोक्रोम बी ने एंट्री लेनी होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाकी की सारी चीजें जो रेड मैंने हाईलाइट भी की हुई है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया के फाइटोक्रोम से इसको डिफरेंट बनाती है, एब्सेंस ऑफ द पी आर डी डोमेन दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट फाइटोक्रोम, एंड द प्रेजेंस ऑफ द एच के आर डी विच इज यू कैन से इन रिप्लेसमेंट ऑफ द एच की डोमेन इन द प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज द अदर बैक्टीरिया। नाउ ये रोटेशन की बात में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे यानी कि क्रोमोफोर में कहाँ पे चेंजेस आती हैं। अब हम बात करने जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन मैंने आपको सारी समझा दी है, तो अब हम बात करने जाएंगे कि जब हम ये कहते हैं कि पी आर पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बेसिकली प्रोटीन में ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो पी आर की प्रोटीन इस फॉर्म में होती है और पी एफ आर में प्रोटीन इस फॉर्म में होती है, तो उनमें कौन सी ऐसी चेंजेस आती है, क्योंकि बिकॉज स्ट्रक्चर अब आपने पढ़ लिया है इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोफोर में सी 15 एंड 16 का जो डबल बॉन्ड है वो उसमें चेंजेस आती हैं, और सी 14 15 के जो सिंगल बॉन्ड है उसके एंगल की रोटेशन होती है। इसी तरीके से मैंने आपको दो रीजन अभी दिखाए थे, एक था बीटा हेयरपिन रीजन जिसको हमने हेयरपिन लूप का नाम दिया था, और दूसरा है हेलिकल स्पाइन जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो लूप्स बना के जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको हमने हेलिकल स्पाइन का नाम दिया था। तो दीज टू रीजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट आइसोमर्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फाइटोक्रोम पी आर और पी एफ आर, और इनमें कौन सी चेंजेस आती हैं इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगी इसकी डायग्राम में जो कि है पार्ट सी में मौजूद। यहाँ पे बेटा आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फाइटोक्रोम जो है अलॉन्ग विद इट्स प्रोटीन, ठीक है, ये है वो टेट्रा पायरोल, दिस वन, ये जो है टेट्रा पायरोल, ये 1 A B C D, ठीक है, ये वही टेट्रा पायरोल है। वेट अ मिनट, इसको मैं स्पिन कर रहा हूं। ओके, ये टेट्रा पायरोल है, ये जो आपको रेड कलर का दिखाया गया, दिस इज क्रोमोफोर, ठीक है, और ये वो जगह दिखाई हुई है कि जहाँ पे क्रोमोफोर में चेंजेस आती हैं, और उसके बाद वो पी आर फॉर्म में ये ऐसा होता है और पी एफ आर में
ये आर जो है वो किस तरीके से उसके साथ शिफ्ट हो जाता है और इसको इसको एम्पटी कर देता है, एक तो ये चेंज है। दूसरा जो आपको हिस्सा नजर आ रहा होगा, और ये भी मैंने आपको बताया कि ये गैप रीजन के साथ अटैच होता है, और ये भी आपको बताया कि थायो लिंकेज के जरिए, थायो ईथर लिंकेज के जरिए, थायो ईथर लिंकेज क्या होती है, सेंटर में एसओ और बाकी दोनों साइड्स पे कार्बन हो, तो उसको हम थायो ईथर लिंकेज बोलेंगे। तो ये गैप डोमेन के साथ क्योंकि अटैच होता है, तो लिहाजा ये गैप डोमेन को यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन दिस वन इज द प्रोटीन प्रोटीनेशियस पार्ट, जिसकी तीन तरह के रीजन जो हैं या तीन तरह के आप कह लें कि जो लूप्स हैं वो दिखाए गए हैं। एक लूप को हमने नाम दिया है बीटा वन, प्रोटीन एक ही है मतलब उसके तीन डिफरेंट लूप्स हैं, ठीक है। एक है बीटा वन जो कि ये मौजूद है, ये बीटा वन है, दिस इज बीटा टू, ये यू मौजूद है, एंड ये जो आपको ये वाई वाई और ये वाई नजर आ रहा है, दिस वन इज द बीटा थ्री, ठीक है। ये तीन इसके लूप्स दिखाए हुए, एक ही प्रोटीन है उसके तीन लूप्स दिखाए हुए। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि रेड फॉर्म में, इस पूरे को जरा अच्छे से देख लें कि रेड फॉर्म में जब ये, यानी पी आर फॉर्म में जब ये मौजूद होता है, रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करने की जिसमें सलाहियत होती है, तो वहां पे बीटा वन किस तरह से है, बीटा टू किस तरह से है, और बीटा थ्री की क्या पोजिशन है। ये वाई वाई का मतलब पता है ना आपको, टायरोसिन रेजिड्यू को हम वाई बोलते हैं, जहां जहां पे टायरोसिन अमीनो एसिड होगा उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टायरोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा थ्री का। नाउ यू विल सी के जब ये रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहली चेंज तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोफोर में रिप्रेजेंट करिए, ये आर का शिफ्टिंग है फ्रॉम दिस टू दिस, ये आर शिफ्ट हो जाएगा, ये इसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है, यहाँ चला जाएगा, और ये जो आर का रीजन था ये अब इस वाई के साथ जो है वो लिंकेज बना रहा है, ये नजर आ रहा है जिसको यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इसके साथ जो है वो लिंकेज बना रहा है। तो एक तो ये डिफरेंस है जो कि बीटा थ्री में टेक्स प्लेस हो रहा है, कि बीटा थ्री में ये जो वाई यानी कि टायरोसिन रेजिड्यू है, दिस इज फॉर्मिंग द लिंकेज विद दिस कार्बन ऑफ द क्रोमोफोर। नाउ अनदर चेंज जो कि हम इस प्रोटीन में नोटिस कर सकते हैं वो यहाँ पे है, कि यही जो ये जो आपको पहले यहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यू नजर आया था येलो कलर का, दिस टायरोसिन रेजिड्यू इज नाउ मेकिंग द लिंकेज विद द दिस, ये जो एस के साथ ये लिंकेज बना रहा है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बना रहा था पी आर फॉर्म में, ये लिंकेज क्यों नहीं बना रहा था, बिकॉज पी आर फॉर्म में आप नोटिस कर सकते हैं कि ये नीचे की तरफ है, और जब पी एफ आर फॉर्म में ये जाता है तो ये एक्सपोज हो जाता है, ये एस जो है ये एक्सपोज हो जाता है, दैट इज वाई नाउ इट इज एबल टू फॉर्म द लिंकेज विद द टायरोसिन, कैन फॉर्म द लिंकेज विद द सीरीन रेजिड्यू ऑफ द बीटा बीटा टू लूप जो है उसके साथ। अच्छा, एक और चीज जो कि वेरी प्रोमिनेंट है यहाँ पे वो है कि बीटा वन और बीटा टू की पहले आप शक्ल देख लें कि कैसी है, और ये इसका फोक का रीजन देख लें, ये भी काफी वाइड है और यहाँ से भी, यहाँ से ज्यादा वाइड है। अच्छा, उसके बाद जब ये पी एफ आर चेन में चेंज हो रहा है तो बीटा टू जो लूप है इसने ये देखें ये लूप्स बना लिए, पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था और अब इसने इस तरह के जैसे हेयर पिन में होते हैं, या अल्फा हेलिक्स को अगर आप सामने रखें उसको ज्यादा आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट था और उसके बाद इसने ये इस तरह के अल्फा हेलिक्स की तरह के ये लूप बना लिए। इसके अलावा जो दूसरी चेंज आई है कि इसका इसके डिफरेंट रीजन्स जो हैं, पहले जो था पी आर एंड एफ ऊपर था, अब पी और एस ऊपर हो गया और आर एंड एफ जो है वो नीचे चले गए हैं। और उसके अलावा जो बीटा वन है उसमें एज सच तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि डिफरेंट जो रीजन्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, और पहले जैसे एफ एक्स ई जो रीजन था, अब मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं तो ये भी मैं बताती हूँ। तो ये एफ एक्स ई भी ऊपर चला गया है अब, और जो बीटा वन का जो जी जी डब्ल्यू था वो नीचे आ गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैंने आपको बताया कि काफ़ी वाइड रीजन प्रेजेंट था बिटवीन द बीटा वन एंड बीटा टू लूप, लेकिन यहाँ पे उसमें भी स्ट्रेस आ चुका है और उसका एंगल भी, जिसे कहते हैं शिकंजा, ज्यादा कसा हुआ जो है वो टाइट जो है वो जो आपको जो है वो नजर आ रही होगी। अच्छा, नाउ इसमें एक ही चीज जो रह गई है जो कि मैंने आपको नहीं बताई, दैट इज कि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, काफी जगहों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीकेकार हैं। आप इनको थ्री लेटर्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इनको वन लेटर के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए ये मैंने ये टेबल भी यहाँ पे डाल दिया है, जिनमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे यहाँ पे जो पी है, तो पी से मुराद क्या है कि यहाँ पे प्रोलीन मौजूद है, ठीक है।
आर से मुराद क्या है कि आर जो है वो रिप्रेजेंट करे कि इसमें आर्जिनिन मौजूद है। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे फिनाइल एलानिन मौजूद है। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सीरीन मौजूद है। इसी तरीके से ये एफ जो है ये फिनाइल एलानिन को, और एक्स जो है एक्स यहाँ पे एक्स किसी एक खास किस्म के प्रोटीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एक्स का मुराद है, एक्स से मुराद ये है कि एफ और ई यानी कि फिनाइल एलानिन और ई यानी कि ग्लूटामिक एसिड के दरमियान में कोई भी वेरिएबल अमाइनो एसिड कैन बी हियर। तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल अमाइनो एसिड को। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरा लैटिन लैटिन खेल लूं। हाँ जी, कुछ पूछना है बेटा इस डायग्राम के मुताबिक? आपको क्लियर हो गया कि जब पी आर पी एफ आर फॉर्म में या पी एफ आर फॉर्म में कन्वर्ट होता है आफ्टर अब्जॉर्बिंग द रेड एंड फॉरवर्ड लाइट, तो उसके प्रोटीन में क्या चेंजेस आती हैं, उसके क्रोमोफोर में क्या चेंजेस आती हैं, ये सारा क्लियर हो गया आपको? यस मैम। कुछ पूछना जी मैम, किसी डायग्राम के किसी पार्ट से रिलेटेड? ठीक है, आगे चले? यस मैम। ओके जी मैम, आगे चले। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि पी एफ आर फॉर्म जो है फाइटोक्रोम की, दिस इज द फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। ठीक है, नाउ ये जो फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है ये ना सिर्फ साइटोसोल में रहते हुए बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दे सकती है, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर जीन्स को भी मैनिपुलेट करती है, ट्रिगर करती है, और बहुत सारी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके बहुत सारे जीन्स को जो पहले स्विच ऑन होते हैं उनको ऑफ कर सकती है, मतलब एज रिप्रेसर के तौर पे काम हो सकता है इसका, जो कि किसी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ज़ाहिर बताएगा, शो करेगा। और इसी तरीके से जो जीन ऑलरेडी आप कह लेके स्विच ऑफ थे उनको ये ऑन कर सकती है, मतलब उलट काम जो है इसकी इसके प्रेजेंस और एब्सेंस से फिर वो मैटर करेगा कि आया कौन से जीन जो हैं वो स्विच ऑन होंगे और कौन से जीन जो हैं वो स्विच ऑफ होंगे। अच्छा, अब ये बात हमने पहले ही कर ली है कि पी एफ आर फॉर्म ने न्यूक्लियस के अंदर अगर जाना है तो फाइटोक्रोम ए और बी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में स्टडीज आर अवेलेबल, तो फाइटोक्रोम ए के बारे में कहा जाता है कि इसके पास कोई न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मौजूद नहीं होता, लेकिन जो फाइटोक्रोम बी है उसका जो पी आर डी रीजन है, अभी मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, दैट कैन एक्ट एज एन एल एस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। तो अगर पी एफ आर फाइटोक्रोम बी की पी एफ आर फॉर्म ने न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेनी है टू डू सम वर्क विद रिस्पेक्ट टू द जीन और द जीनोम, तो उसके हिसाब से अगर उसने उसके साथ काम करना है तो उसको न्यूक्लियस के अंदर अगर एंट्री लेनी है तो जस्ट उसको पी एफ आर फॉर्म में आना होगा, एंड देन उसके बाद क्योंकि पी आर डी सेक्शन मौजूद है तो वो पी आर डी सेक्शन उसका कैन एक्ट लाइक एस एन एल एस। ठीक है, अच्छा, लेकिन पी एच फाइटोक्रोम ए के पास जो है जो पी आर डी सेक्शन है वो एन एल एस के तौर पे काम नहीं कर सकता, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो फाइटोक्रोम बी से ज़्यादा डिफरेंट है, तो उसमें ये खूबी नहीं है कि वो एज इट इज़ पी एफ आर फॉर्म में एंटर हो जाए इन टू द न्यूक्लियस। तो उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग से एन एल एस सीक्वेंस जो है उसके साथ आके पी आर डी सेक्शन के साथ ही अटैच होगा, जिसका नाम है फेयर्ड एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल वन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एच वाई वन से, फेयर्ड एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल वन, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, या फिर फेयर्ड हाइपोकोटाइल एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल वन लाइक, यानी कि पी एच एल सिंपल या पी एच वाई वन, ये दोनों ही में से कोई एक अगर अटैच हो जाता है पी आर डी ऑफ द फाइटोक्रोम ए पी एफ आर फॉर्म के साथ, तो ये इसको फिर आप कह लें कि जो है वो रास्ता मुहैया करेगा, या आप कह लें कि उसको गाइड करेगा दैट इट कैन एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ये इसी की डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है जो बात मैं अभी आपसे कर रही थी कि फाइटोक्रोम जो है ये ना सिर्फ साइटोसोल में बहुत सारे अपने फंक्शंस को प्ले करता है, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर जाके भी अपने फंक्शंस को प्ले करता है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर इसने जाना है तो फाइटोक्रोम बी के पास तो ये खूबी है कि वो पी आर डी की फॉर्म में की फॉर्म ही उसकी एन एल एस के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगी, लेकिन पी एच पी ए अगर फाइटोक्रोम ए है तो उसको फिर एक्स्ट्रा आप कह लें कि एन एल एस रिक्वायर्ड होगा, जो कि इसके साथ जब अटैच होगा तो ही वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। अब इसी को ये स्टेप बाय स्टेप जो है रिप्रेजेंट किया गया है, आप मेरे साथ रहिएगा। स्टेप वन में क्या हो रहा है
कि प्लास्टिड में जो क्रोमोफोर है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द प्लास्टिड, और इसके बारे में कहा जाता है कि जो पाथवे क्लोरोफिल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वही पाथवे क्रोमोफोर ऑफ द फाइटोक्रोम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब उसी की ही आप कह लें कि साइड पाथवे है, उसी से ही एक शाख निकलती है, एक ब्रांच निकलती है, एक साइड पाथवे निकलता है उसी की ही क्लीवेज से जो कि फाइटोक्रोम का क्रोमोफोर बनाता है। तो क्रोमोफोर की बायोसिंथेसिस होती है इनटू द प्लास्टिड, उसके बाद ये मूव करेगा इनटू द साइटोसोल, और साइटोसोल में आने के बाद ये क्रोमोफोर विल बी अटैच्ड विद द गैफ रीजन ऑफ द एपोप्रोटीन ऑफ द फाइटोक्रोम, और गैफ रीजन के साथ जब तक ये अटैच होगा तो आप ये देखें ये ऐसे जैसे सिग्नल डाउन होता है, ठीक है, सिग्नल डाउन होता है मतलब नीचे की तरफ है, इसके दोनों जो एंड टर्मिनाई है वो नीचे की तरफ है, और जिसकी वजह से जो इसका पी आर डी सेक्शन है दैट इज मास्क बाय दिस क्रोमोफोर, क्योंकि क्रोमोफोर बिल्कुल इसके पास पास ही है, तो इस सूरत में ये जो फॉर्म है इसकी दिस इज नोन एज द होलो प्रोटीन बिकॉज इट हैज बोथ द एपोप्रोटीन एज वेल एज द क्रोमोफोर, लेकिन इस फॉर्म में दिस इज द पी आर फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम। अच्छा, उसके बाद ये एक बात और भी मैं आपको बताती चलूँ कि क्रोमोफोर की जो इसकी रिस्पेक्टिव एपोप्रोटीन के साथ अटैचमेंट है इसके लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती, साइटोसोल में ये होता है, ये काम होता है एंड विदाउट एनी एंजाइम होता है, मतलब ऑटो कैटालिटिक है ये क्रोमोफोर, वंस रीच टू द एपोप्रोटीन ऑफ इट्स फाइटोक्रोम इट विल ऑटोमेटिकली बाइंड विद द गैप रीजन ऑफ दिस ऑफ द एपोप्रोटीन, तो ये ऑटो कैटालिटिक होता है। उसके बाद स्टेप टू में हम देख रहे हैं कि ये जो पी आर फॉर्म है आफ्टर यू कैन से द एलुमिनेशन ऑफ द रेड लाइट द पी आर फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू द पी एफ आर फॉर्म, और उसमें जैसे उसके हाथ जो है वो ऊपर हो जाए, दोनों टर्मिनाई जो है वो ऊपर हो गए हैं, नाउ यू कैन सी दैट द पी आर डी रीजन इज एक्सपोज नाउ, तो अगर ये फाइटोक्रोम है फाइटोक्रोम बी तो ये एज इट इज एंटर हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि फाइटोक्रोम जो भी हो पी एफ आर फॉर्म में फंक्शनल है, तो फंक्शनल हालत में वो आ चुका है, और अगर ये फाइटोक्रोम बी है तो पी आर डी इसका बिहेव करेगा एज एन एल एस, तो दिस विल डायरेक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस, बट अगर ये है पी एफ आर ऑफ द फाइटोक्रोम ए तो इसके लिए फिर इसको एन एल एस रिक्वायर्ड होगा, जो कि ये येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये अगेन उसके पी आर डी रीजन के साथ ही अटैच होगा, और इसके अटैचमेंट के बाद फाइटोक्रोम ए का जो पी एफ आर फॉर्म है दैट विल बी एबल टू एंटर इन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये क्या काम करता है उसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट जीन एक्सप्रेशन के सेक्शन में जो है वो ज्यादा पढ़ लेंगे, यहाँ तक सिर्फ आप ये समझ लें कि कुछ हिस्सा पी एफ आर फॉर्म का साइटोसोल में ही स्टे करता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फंक्शन विच आर रिलेटेड टू द विच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द साइटोसोल, तो उसके लिए जो आप कह लें कि न्यूक्लियस में जाना जरूरी नहीं है, बट जाहिर है कि ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म जो फंक्शंस हैं या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो जिनमें जीन्स की इन्वॉल्वमेंट और उनकी आप कह लें कि एक्सप्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसको ब्लॉक करना और अगर नहीं हो रहा तो उसको ऑन करना रिक्वायर्ड होता है, तो इन दैट केस ये फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर होके और बाकी का काम अपना जो है वो वहाँ पर सर अंजाम देगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे इसी चीज को जो मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ हिस्सा इसका जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो बाहर ही रहता है, तो फाइटोक्रोम ए को भी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ अटैच करके और डायग्राम बी में फाइटोक्रोम बी को ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ अटैच करके इस डायग्राम में दिखाया गया है, डिटेल इसके साथ मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही वो जगह है जहाँ पे फाइटोक्रोम ए और फाइटोक्रोम बी की जो पी एफ आर फॉर्म है दैट इज इन द कंसनट्रेटेड फॉर्म कंसनट्रेशन मतलब ज्यादा पाई जाती है बिकॉज मोर ग्रीन कलर इज सीन इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द यू कैन से ऑफ द सेल कि जहाँ पे फाइटोक्रोम जो है वो ज्यादा नजर आए अलॉन्ग विद द जी एफ पी, जैसा कि आपको पता ही है कि ये फ्लोरिसेंट करेगा वो हिस्सा ग्रीन कलर में, और ये जो डायग्राम बी में आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के इनको कहा जाता है स्पेकल्स, और कहा जाता है कि जितने ज्यादा ये स्पेकल्स होंगे ये इनका नंबर और इनका साइज, यानी कि स्पेकल कितने ज्यादा पाए जाते हैं और इनका साइज कितना बड़ा है, दिस विल कोरिलेट विद द लाइट रिस्पॉन्सिवनेस कि ये कितनी लाइट मतलब लाइट को जो आने वाली लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करके कितना रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जो है वो दे रहा है, तो उसके हिसाब से ये स्पेकल्स जो है वो नजर आते हैं, उनका साइज और उनका जो नंबर है ये दोनों ही उनके रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। जो फाइटोक्रोम बी वाला जो डायग्राम है इसको प्रोवाइड की गई है जो है व्हाइट लाइट, और जो फाइटोक्रोम ए वाली डायग्राम है इसको प्रोवाइड की गई है फार रेड लाइट।
کیوں یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ فائٹوکروم بی جو ہے یہ ریڈ اینڈ بلو لائٹ کو جو ہے اس میں کام کرتا ہے ابزارب کر کے, اور فائٹوکروم اے جو ہے وہ فار ریڈ لائٹ میں جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. دیٹ از وائی اس کو ان کی ریسپیکٹو لائٹس جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ اسٹرکچر, ہم نے سارا پڑھ لیا ہے, ہم نے اس کی فارمس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے فائٹوکروم جو ہے وہ کام کیا کرتے ہیں, ان کے کون کون سے رسپانسز ہیں. تو رسپانسز تو نمبر آف ہیں, ہم نے کئی کی باتیں بھی کی ہیں. اوور آل یو کین ڈیوائڈ اٹ انٹو ٹو کیٹیگریز. نمبر ون جو کہ بہت ہی ریپڈلی ایونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریپڈ بایو کیمیکل ایونٹس, اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں سلوور مارفولوجیکل چینجز, جن میں موومنٹس اینڈ گروتھ کے جو فینومینن ہیں وہ رسپانسز جو ہیں وہ فائٹوکروم کے وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. ہر ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو فائٹوکروم کا یہ جو رسپانس ہے, ظاہر ہے کہ ہم اس کو انڈیویجول لیول پہ نہیں دیکھے جا رہے, ہم آن دا ہول جو پلانٹ کے رسپانسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس رہے گا. ایز اے ہول, ہول پلانٹ کے جو رسپانسز ہیں اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس رہے گا. آلدو کہ بہت ساری چینجز سیلولر لیول پہ بھی آتی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن سیلولر لیول سے زیادہ ہم کنسیڈر کریں گے اپنے ڈسکشن میں ہول پلانٹ رسپانسز کو. تو فائٹوکروم رسپانسز جو ہیں یہ دو طریقے سے ویری کر سکتے ہیں. دو اوور آل تو یہ دو طرح کے رسپانسز دیں گے, ایک جو کہ بہت ریپڈ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہیں یا جو ہے وہ سلو ہیں, جن میں نے آپ کو بتایا کہ گروتھ کے موومنٹ کے رسپانسز ہیں. بٹ آن دا ڈپینڈنگ آن کہ آیا فائٹوکروم کا رسپانس جو ہے وہ اس کا لیگ ٹائم کیا ہے اور اس کا اسکیپ ٹائم کیا ہے. نا وٹ از لیگ ٹائم اینڈ وٹ از اسکیپ ٹائم, یہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی چلوں گی, لیکن اس کے مطابق کہ آیا کون سا رسپانس کتنا لیگ ٹائم لیتا ہے اور کتنا اسکیپ ٹائم لیتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے وی کین یو کین سے رسپانسز کو تین طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, ایسے رسپانسز جو کہ ریورسیبل نیچر کے ہوتے ہیں, جیسے کہ ریورسیبل موومنٹس آف دا آرگنلز. نمبر ٹو جو کہ ریورسیبل والیوم چینجز ہیں جن میں آ جاتی ہیں. نمبر تھری جو کہ سم گروتھ رسپانسز جو کہ تھوڑے ریمارکیبلی فاسٹ ہیں, جن میں ہم ان رسپانسز کی بات کر رہے ہیں جن کو کم ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو یہ تینوں طرح کے رسپانسز جو ہیں یہ فاسٹ رسپانسز میں جو یا ریپڈ رسپانسز میں آئیں گے, کیونکہ ان کا لیگ ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. نا واٹ از لیگ ٹائم؟ لیگ ٹائم ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے لائٹ دی, یعنی کہ اسٹیمولس دیا, اور اسٹیمولس دینے کے بعد جو ابزروڈ رسپانس ہے اس کو آنے تک کتنا ڈیوریشن, کتنا ٹائم جو ریکوائرڈ ہے, دیٹ ٹائم ول بی نون ایز دا لیگ ٹائم. یعنی ٹائم آف اسٹیمولس ٹو دا ٹائم آف رسپانس, اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے دس از نون ایز لیگ ٹائم. ناؤ وٹ از دا اسکیپ ٹائم؟ اسکیپ ٹائم میں کیونکہ ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں, شروع سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ فائٹوکروم کو ہم نے ڈسکور ہی اس حساب سے کیا تھا کہ اس کے جو رسپانسز ہیں, اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو کام ہیں, دوز آر ریورسیبل ان نیچر. ریڈ لائٹ دیں گے تو وہ ٹیکس پریس کریں گے, فار ریڈ لائٹ دیں گے تو وہ ریورس کر جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے فائٹوکروم کو ڈسکور ہی اسی طرح کیا ہے, کیونکہ جو فرسٹ رسپانس ہم نے اس کا آبزرو کیا تھا وہ یہی تھا, سیٹ جرمنیشن کو اسی طرح سے ہم نے اس کو ڈسکور ہی کیا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو اس کے رسپانسز ہیں وہ سارے کے سارے ٹرولی اینڈ اسٹرکٹلی اس کو فالو کریں, بلکہ دیر از اے ٹائم لمٹ کہ جس کے درمیان میں وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں, کہ اگر اس ٹائم کے اندر اس کو آپ ریورس کروانا چاہیں ود ایکسپوئر آف دا ریسپیکٹو لائٹ تو یو کین ریورس دا چینج. ادر وائز اگر ایک خاص ٹائم سے اوپر ٹائم ہو گیا, ڈیوریشن زیادہ ہو گیا, دین دس ریورسیبلٹی ول بی لاسٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹائم ہے کہ جس میں ریورسیبلٹی لاسٹ ہو جاتی ہے, دیٹ ٹائم از نون ایز دا اسکیپ ٹائم. یعنی اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے, دیٹ ٹائم اس ٹائم میں جو رسپانس ہے دیٹ کین بی ریورسیبل. اور جب اسکیپ ٹائم شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دا رسپانس از پرماننٹ, اور اب جو وہ فیزیولوجیکل رسپانس ہو چکا ہے دیٹ ول ٹیک پلیس, اینڈ اس کو اب ریورسیبل کرنا پاسبل نہیں رہے گا. تو دس از نون ایز دا اسکیپ ٹائم. اچھا, یہ جو لیگ ٹائم اور اسکیپ ٹائم کتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے ابھی آپ سے یہ جو تینوں جو میں نے آپ کو رسپانسز بتائے ہیں, دیز آر فاسٹ اور ریپڈ رسپانسز, تو ان میں بھی آپ ان کے لیگ ٹائم کو جو ہے اس میں ویریشن دیکھ سکتے ہیں. جیسے چینوپوڈیم البم میں دیکھا گیا ہے کہ اسٹیم الانگیشن کو جب آپ لائٹ دیں تو اس کی اسٹیم الانگیشن جو ہے وہ آپ کو بہت جلدی, مطلب ود ان منٹس جو ہیں وہ رسپانس کو شو کرتے ہیں. ایون ریبڈاکسز میں بھی ود ان منٹس جو ہیں وہ اسٹیم الانگیشن کو یو کین آبزرو.
लेकिन इसी के बरक्स अगर आप जो है फ्लावरिंग इन अरेबिडोप्सिस को या अदर स्पीशीज में फ्लावरिंग के टाइम को देखें तो उसके लिए बहुत आप कहने के वीक्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, मंथ्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, तो उनका लैग टाइम जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और जो ये इस तरह का रिस्पॉन्स है जैसे कि स्टेम एलॉन्गेशन इन पिगवीड एंड अरेबिडोप्सिस, तो दिस कैन बी रिवर्सिबल एंड दिस कैन बी यू कैन से द फास्ट रिस्पॉन्स, और उसका लैग टाइम जो है वो कम होगा। अच्छा, इसी से फोटो रिवर्सिबिलिटी, स्केप टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी कि व्हाट इज स्केप टाइम, ये हाईलाइट भी किया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लैग टाइम में वेरिएशन है कि बहुत कम से बहुत ज़्यादा लैग टाइम भी हो सकता है, इसी तरह स्केप टाइम जो है वो भी डिपेंड करता है, वो भी जो है वो वेरी कर सकता है कि आया किस रिस्पॉन्स की हम बात करें और किस प्लांट में हम बात करें। एक मिनट बेटा, ओके, सो ओवरऑल जो फाइटोक्रोम के रिस्पॉन्सेज हैं उनको फिर हम एक तो हमने वो कैटेगरी में डिवाइड किया ना डिपेंडिंग ऑन कि आया वो जल्दी जल्दी होते हैं या उनको टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हमने उनको रैपिड एंड आप कहने के स्लो रिस्पॉन्सेज में डिवाइड किया। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आया कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उनको रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से भी आप फाइटोक्रोम के रिस्पॉन्सेज को डिवाइड कर सकते हैं इंटू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी? एक है वेरी लो फ्लोएंस रिस्पॉन्सेज जिसको हम VLFR से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे हैं लो फ्लोएंस रिस्पॉन्सेज जिसको हम LFR यानी कि लो फ्लोएंस रिस्पॉन्सेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे हैं हाई इरेडियंस रिस्पॉन्सेज जिनको हम HIR से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो LFR और VLFR ये पहली दो कैटेगरीज हैं, इनको कहा जाता है कि ये ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो कि या इनको ऐसी रेंज ऑफ लाइट चाहिए होती है जिनका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लोएंस, यानी कि जितना आप लाइट देते जाएंगे उतना ही ये रिस्पॉन्स जो है वो होता जाएगा। और इसका मतलब ये है कि दिस कैन बी रिवर्सिबल एज वेल, मतलब आप इसको अगर लाइट कम देंगे तो ये कम होगा, अगर लाइट ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इस तरह की ये बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड HIRs है इनको आप कह सकते हैं कि ये फ्लुएंस के साथ इनका ताल्लुक नहीं होता बल्कि इनका ताल्लुक इरेडियंस के साथ होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लुएंस एंड इरेडियंस, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा इसके बारे में, दोबारा उसको रिकॉल कर लें कि फ्लुएंस का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इम्पिंच कर रहे हैं इन अ यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं फ्लुएंस। और अगर उसी के साथ हम पर सेकेंड लगा दें, मतलब टाइम को शामिल कर लें, पर सेकेंड टाइम को शामिल कर लें, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लुएंस रेट। ठीक है, और फ्लुएंस रेट को इन अदर वर्ड्स इरेडियंस भी कहा जाता है। ठीक है, एक और टर्म जो कि अभी आपको इसमें सुनने में मिलेगी, एक मैंने आपको टर्म बताई है फ्लुएंस यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर मीटर स्क्वेयर आप कह लें पर यूनिट एरिया, और दूसरा मैंने आपको बताया है फ्लुएंस रेट जिसका दूसरा नाम है इरेडियंस एंड दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और इसको रेडियंस भी कहेंगे। और एक और टर्म है जिसका नाम है टोटल फ्लुएंस, टोटल फ्लुएंस में टोटल नंबर ऑफ द फोटॉन्स एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, यानी कि टोटल कितने फोटॉन्स इम्पिंच किए हैं और पूरा ड्यूरेशन, नॉट वन सेकेंड बट द होल ड्यूरेशन is required to calculate the total fluence. So this is somehow different from the irradiance. Irradiance alag hai, that is the number of photons impinging some unit area per second, and jo total fluence hai, that is total number of the photons impinging in some area but for the total length of the time. Theek hai, matlab total length usme aapne add karni hai, not per second. To ye is tarike se isko yaad rakhiyega. अच्छा, अब इसी हिसाब से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है तीनों की, जिसमें आपको ये तीनों तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं, वेरी लो फ्लुएंस रेट VLFR, लो फ्लुएंस रेट LFR, और जो हाई रेडियंस वाले रिस्पॉन्सेज हैं उनको फिर फर्दर तीन तरह की कैटेगरीज में I1, I2 एंड I3 में जो है कैटेगराइज किया गया है। तो इरेडियंस 1, इरेडियंस 2 एंड इरेडियंस 3, हर एक का जो लेवल है वो डिफरेंट है, यानी कि उनका एक्सपोजर टाइम जो है वो डिफरेंट है। तो
तो उससे रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा यहाँ पे बेटा आप दो चीजों को नोटिस कर सकते हैं, एक एक चीज लिखी हुई है रेसिप्रोसिटी अप्लाइज, और दूसरी चीज लिखी हुई है नॉट एफ आर रिवर्सिबल। अच्छा अब नॉट एफ आर रिवर्सिबल जो बात है वो तो मैंने अभी आपको क्लियर की है कि एस्केप टाइम वाली जो मैंने आपको बात बताई थी कि एस्केप टाइम से पहले पहले अगर रेड लाइट देंगे तो रिस्पॉन्स हो जाएगा, फायर रेड लाइट देंगे तो वो वापस चला जाएगा। तो ये जो वापस हो जाना है, रिवर्स हो जाना है, दिस इज एफ आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी है वी एल एफ आर, दिस इज नॉट एफ आर रिवर्सिबल। वाई ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एल एफ आर जो है दीज आर एफ आर रिवर्सिबल, अगर आप रेड लाइट देंगे तो ये टेक्स प्लेस हो जाएंगे, अगर आप फायर रेड लाइट देंगे तो ये वापस अपनी पहली स्टेज पे चले जाएंगे। मीन्स के ये एफ आर रिवर्सिबल है, लेकिन जो वेरी लो फ्लुएंस रेट वाले हैं दीज आर नॉट एफ आर रिवर्सिबल। और जो तीसरी कैटेगरी है एच आई आर की, ये कहता है कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन द इरेडियंस, सो दीज आर नॉट फोटो रिवर्सिबल। मतलब इनको फिर इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, इनको इतनी ज़्यादा आप कह लें कि इरेडिएशन की जो है वो लाइट मिल चुकी होती है कि अब इनके लिए वो जो फोटो रिवर्सिबिलिटी है उसको करना पॉसिबल नहीं रहता। एक तो ड्यूरेशन इनका बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा इसकी इरेडिएशन यानी कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, दैट इज़ वाई ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये भी फोटो रिवर्सिबल या एफ आर रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे जो लिखी हुई है पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में लिखी हुई है रेसिप्रोसिटी अप्लाइज, और दूसरे में भी लिखा हुआ है रेसिप्रोसिटी अप्लाइज, और तीसरी कैटेगरी में लिखा हुआ है कि रेसिप्रोसिटी इज नॉट अप्लाइड। जो तीसरी कैटेगरी है वो नॉन फोटो रिवर्सिबल है और रेसिप्रोसिटी भी इसमें अप्लाइज नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस रेसिप्रोसिटी अप्लाइज और रेसिप्रोसिटी नॉट अप्लाइज, ये क्या चीज़ है? तो इसके बारे में जो मैं आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन बता दूँ, तो ये क्या होते हैं, एक मिनट में इसके रिस्पेक्टिव जो स्लाइड है बेटा मैं पहले वो खोल लूँ कि वहाँ से फिर ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप जो बता सकूँगी। ओके, ये सेकंड तरह का जो जो कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लाइट इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, जो मैंने कैटेगरी आपको बताई थी लो फ्लुएंस, एक है ना वेरी लो फ्लुएंस रेट रिस्पॉन्सेज, दूसरा है लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज। इसमें जो है ये रेसिप्रोसिटी का जो है वो डेफिनेशन शामिल है, जिसको हम कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी है द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लुएंस रेट एंड टाइम इज नोन एज द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब नाउ व्हाट इज दिस फ्लुएंस रेट एंड टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्लुएंस रेट है दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दिस इज फ्लुएंस रेट, और रेसिप्रोसिटी लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी इन दोनों को कंसिडर करता है। अच्छा क्यों क्यों इन दोनों को कंसिडर करता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि आया कितनी लाइट मिली है और कितने टाइम के लिए मिली है। तो कम क्वालिटी, इससे हमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगी, मतलब ये जो चीज़ है ये रेसिप्रोसिटी के लॉ को कैसे ओबे कर रही है कि मतलब दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, टाइम और लाइट की इंटेंसिटी। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट दे दें और कम टाइम के लिए दे दें तो वी एल एफ आर एंड वी एफ आर विल टेक्स प्लेस। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कम इंटेंसिटी की लाइट दे दें लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए दे दें तो भी रिस्पॉन्स ऑफ वी एल एफ आर एंड वी एफ आर विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि दोनों में से एक चीज़ प्रोवाइड कर दें जो कि दूसरे को नलीफाई कर दें, दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि लो फ्लुएंस की लाइट दे दें और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए दे दें, या हाई फ्लुएंस की लाइट दे दें और कम ड्यूरेशन के लिए दे दें, तो दोनों का इफेक्ट जो है दैट विल बी सेम। और जो पहली दोनों कैटेगरीज हैं लो फ्लुएंस रेट रिस्पॉन्सेज वाली और वेरी वेरी लो फ्लुएंस रेट रिस्पॉन्सेज वाली, ये दोनों ही लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को जो है वो बे करते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड यू इन केस ऑफ द एच आई आर्स कि वो उनमें रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई इज़ रिक्वायर्ड एंड द टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी लॉन्ग, तो दैट इज़ वाई वो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को फिर ओबे नहीं करता। तो इफ something is not clear to you, आप मुझे बता दें so that I can move on. जी
यस मैम क्लियर है। ओके वेरी गुड, अगर क्लियर है तो उसके बाद जो है बेटा इसी के लिहाज से हम बात करेंगे कि मैं इनसे बोथ हुई आपको करवाऊंगी, बिकॉज इसमें सिर्फ ये बताया, क्योंकि जो समझाने वाली चीजें वो मैंने आपको बता दी हैं कि वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स में फिर कैटेगराइज किया गया है उन रिस्पॉन्स को जो कि वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स कहलाते हैं। अच्छा एक मैंने बात की थी कि जो वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स हैं ये फॉरवर्ड लाइट से रिवर्स नहीं हो सकते। अच्छा जब मैंने आपको ये मेरा ख्याल है पढ़ाया था ना BS में, तो मैंने सिर्फ इनके नाम बताए थे और मैंने कहा था कि अगर मैं आपको हर क्लास में अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं इसकी डिटेल बताऊंगी। वहां पे भी थोड़ा सा मैंने आपको टच दिया था इसका और मैंने आपको बताया था कि व्हाई द वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज जो हैं वो फार रेड लाइट से रिवर्स नहीं होते। तो उसकी रीजन वही है जो वेरी स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि जितना भी रेड लाइट को फाइटोक्रोम रेड जो है अब्सॉर्ब कर लें उसके बावजूद कुछ ना कुछ उसकी जो प्रोपोर्शन है दैट विल रिटेन्ड इन द PR फॉर्म। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ द PFR फॉर्म जितनी भी उसको फॉर रेड लाइट आप दे दें कुछ ना कुछ हिस्सा उसका जो है वो PFR फॉर्म में रिटेन्ड करता है, और वो हिस्सा जो उसका PFR फॉर्म में रिटेन्ड करता है दैट इज आई गेस अबाउट 2%। ठीक है, वो 2% तो हमेशा PFR फॉर्म में ही मौजूद रहेगा, चाहे आप रेड लाइट देते जाएं चाहे आप उसको फॉर रेड लाइट देते जाएं, इससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज की के लिए जो लाइट रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ कोर्स कि हम कह रहे हैं कि PFR फॉर्म में जो है ये टेक्स प्लेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल इनको करवाने के, तो रेड लाइट इनको चाहिए होगी। लेकिन रेड लाइट इनको मिले तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी PFR फॉर्म में 2% तो ऑलरेडी मौजूद होता ही है। तो अगर आप ये कहें कि हम फॉर रेड लाइट देके इसको वापस PR फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 0.02% है। 0.02% अगर PFR फॉर्म मौजूद है तो वेरी फ्लुएंस लो फ्लुएंस जो रिस्पॉन्सेज है दोज विल टेक्स प्लेस। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट 0.02% है और 2% ऑलरेडी मौजूद है तो आप ख्याल करते हैं कि फॉरवर्ड लाइट देने से इनको कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट। दैट इज व्हाई आप रेड लाइट दें आप फॉरवर्ड लाइट दें, रेड लाइट देने से रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस तो हो जाएगा लेकिन फॉरवर्ड लाइट देने से रिस्पॉन्स बैक नहीं होगा। दैट इज व्हाई इसको हमने लिखा था इस पिक्चर में ये पहली कैटेगरी को नॉट फोटो FR रिवर्सिबल। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी जो लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज की जो कैटेगरी है इसको अगर आप रेड लाइट देंगे तो रिस्पॉन्स विल टेक प्लेस, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है FR फॉरवर्ड की फाइटोक्रोम की वो दैट इज हायर। तो और अगर आप फॉरवर्ड लाइट देंगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द फर्स्ट स्टेट, यानी कि ये फोटो रिवर्सिबल मौजूद है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ क्लियर हुई कि ऑल दो ये तमाम जो रिस्पॉन्सेज हैं लो फ्लुएंस वाले और वेरी लो फ्लुएंस वाले ये दोनों ही फाइटोक्रोम की वजह से ही होते हैं, लेकिन इनमें नॉन फोटो रिवर्सिबिलिटी भी पॉसिबल है। जैसे कि जो थर्ड कैटेगरी है उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि द टाइम जो ड्यूरेशन ऑफ द यू कैन से द लाइट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज सो हाई ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज के मुकाबले में अगर आप इसकी आप कह लें कि जो सैचुरेशन है ये जो आप कह लें कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो रिक्वायर्ड दैट इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन द लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज। तो इतनी ज्यादा जो आप कह लें कि जो हाई क्वालिटी की और लॉन्ग ड्यूरेशन की जो लाइट रिक्वायर्ड है तो उसके बाद फिर इनमें ये आप इनसे ना बिल्कुल भी तवक्कु करें कि ये फिर रिवर्सिबल हो जाएंगे फॉरवर्ड लाइट देने पे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा लाइट को सैचुरेट करके तो उस रिस्पॉन्स को दिया होगा। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो नॉन फोटो रिवर्सिबल। ऑल्दो कि हमने फाइटोक्रोम को स्टार्ट इस बात से किया था कि इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं दोज आर रिवर्सिबल, रेड लाइट देंगे तो कुछ और करेगा फॉरवर्ड लाइट देंगे तो उसको ही रिवर्स कर देगा, लेकिन अब हमने अपनी ही बात को जो है वो निगेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ओके इसी में एग्जाम्पल भी है जैसे कि अच्छा अब इसी से रिलेटेड एक और बात भी है
कि देर आर सम रिस्पॉन्सेज के जिनको कहा जाता है कि एट वेरी अर्ली स्टेजेस या जब आप उनको लाइट का ड्यूरेशन जो क्वालिटी जो है वो कोई और प्रोवाइड करें और बाद में उस क्वालिटी को डिफरेंट कर दें, तो जिस तरह की लाइट आप उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स जो है वो रिवर्सिबल से नॉन रिवर्सिबल में चला जाता है. मतलब अगर आप उसको, जैसा कि ये एग्जाम्पल भी जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एंथोसाइनिन प्रोडक्शन इन द सीडलिंग ऑफ द व्हाइट मस्टर्ड. व्हाइट मस्टर्ड यानी कि साइनेपिस अल्बा में जो है वो बताया गया है कि एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन को अगर आप देंगे ना, लो फ्लुएंसेस देंगे, तो वो उसके लिए फाइटोक्रोम में वो रिवर्सिबिलिटी जो है उसको शो करता है. यानी कि रेड लाइट देंगे तो वो एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन कर देगा, और फारेड लाइट देंगे तो एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन जो है वो मतलब तो उसमें से डिलीट होना शुरू हो जाएगा या ख़त्म वैनिश होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर इसी सीडलिंग को अगर आप डार्क ग्रोन रखें, यानी कि अगर आप उसको टोटली डार्कनेस में रखें इंस्टेड ऑफ एक्सपोज टू हाई रेडियंस लाइट फॉर सेवरल आवर्स, और फिर इसका अगर आप एक्शन स्पेक्ट्रम देखें तो वो फार रेड लाइट में शिफ्ट हो जाता है. फार रेड लाइट में मुसलसल होने की वजह से भी ये एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है. जब ये फार रेड लाइट में होने की वजह से मुसलसल और लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से अगर ये एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो ये एंथोसाइनिन का जो प्रोडक्शन करने का जो रिस्पॉन्स है, दिस इज नॉन फोटो रिवर्सिबल. ये फिर फर्दर रेड लाइट से ये वैनिश नहीं होगा. हालांकि काम एक ही था, एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन, आपने पहले लाइट का सोर्स व्हाइट दिया है, रेड दिया है, तो वो रिवर्सिबल हो गया फार रेड से. लेकिन अगर आपने शुरू से उसको दिया ही फार रेड लाइट है और उसके रिस्पॉन्स में अगर इसने इटियोलेशन की है और उसमें एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन कर ली है, तो फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो हाई इरेडियंस वाली जोन में चला जाएगा, और नाउ इट इज नॉन फोटो रिवर्सिबल, या आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते. साथ ही एक टेबल भी दिया गया है बेटा, और ये टेबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्सेज इंड्यूस्ड बाय द हाई रेडियंस. उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड की प्रोडक्शन जिनमें एंथोसाइनिन भी आ जाता है डाइकॉट की सीडलिंग्स में, उसके अलावा इनहिबिशन ऑफ द वाइट कोकोटाइल एलोंगेशन इन द मस्टर्ड लेटस एंड पेटूनिया सीडलिंग, और इसी के साथ जो इंडक्शन ऑफ द फ्लॉरिंग इन द हिनबेन जिसको हायोसाइमस हम बोलते हैं, और प्लोमुलर हुक ओपनिंग इन द लेटस, इनलार्जमेंट ऑफ द कोटिलेड इन द मस्टर्ड प्लांट्स, और प्रोडक्शन ऑफ द इथिलीन इन द सोर्गम प्लांट. ये तमाम के तमाम ऐसे रिस्पॉन्सेज है जिनको आप हाई इरेडियंस रिस्पॉन्सेज के तौर पे जो है वो ले सकते हैं. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइटोक्रोम ए इम्पोर्टेंस, के इसको कहा जाता है कि जब फार रेड लाइट होती है. अच्छा, अभी मैंने आपको एक ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन के साथ बाइंडिंग के साथ आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि फाइटोक्रोम ए को फार रेड लाइट दी गई है और फाइटोक्रोम बी को जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट दी गई है, बताया था ना उसमें. तो उसी को जरा उसी को अपने सामने रखें, उसी को अपने जहन में रखें. तो ये उसी चीज को जो है वो साबित कर रहा है कि फाइटोक्रोम ए को कहा जाता है कि वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो कि फार रेड कॉन्टिन्यूस फार रेड लाइट की वजह से होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर हम पांचों तरह के फाइटोक्रोम्स जो कि रेबडोसिस में पाए जाते हैं ए बी सी डी एंड ई, उन सबको अगर हम गिनें, उन सबको अगर हम देखें, तो उनमें हमें पता चलता है कि जो फाइटोक्रोम ए है दैट इज रैपिडली डिग्रेडेड एज पीएफआर फॉर्म कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल द प्लांट रिस्पॉन्स टू वेरी लो फ्लोरेसेंस रेट के जो रिस्पॉन्सेज हैं एंड द फार रेड लाइट के जो हाई इरेडियंस वाले रिस्पॉन्सेज हैं फार रेड लाइट की वजह से जो होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ द फाइटोक्रोम ए उनको मीडिएट करता है. और इसी के लिहाज से फिर जैसे कि हर दफ़ा मैं आपको बताती होती हूँ कि काम वही है, तरीका वही है कि उनके म्यूटेंट्स बना लें, यानी कि फाइटोक्रोम ए का म्यूटेंट बना लें, और उसका जो म्यूटेंट बनाया उसका नाम था HY, H small Y small, ये जो लिखा हुआ है HY म्यूटेंट. और इसमें इन्होंने क्या किया कि फाइटोक्रोम ए को जो है वो इसमें म्यूटेट कर दिया, तो उन्होंने देखा कि जो रिस्पॉन्सेज जो हैं इसकी वजह से आ रहे थे वो फिर जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किए इन दिस म्यूटेंट. इसी तरीके से फाइटोक्रोम बी के भी म्यूटेंट बनाए गए और उसमें देखा गया कि आया हाइपोकोटाइल एलोंगेशन उसकी वजह से होती है या नहीं, तो वो ऑब्जर्व किया गया कि जो फाइटोक्रोम बी है वो रेड एंड ब्लू लाइट को सेंस करके हाइपोकोटाइल की एलोंगेशन करवाती है, और जो फाइटोक्रोम ए है ये फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करके तो रिस्पॉन्सेज को देता है, इनके रिस्पेक्टिव म्यूटेंट्स बनाकर, और उनसे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिड्यूस की गई है.
और इसी तरीके से ये नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है कि फाइटोक्रोम म्यूटेंट्स लेकिन द फाइटोक्रोम ए आल्सो फेल्ड टू जर्मिनेट इन रिस्पांस टू द मिलीसेकंड पल्सेस ऑफ द लाइट बट शोड अ नॉर्मल रिस्पांस टू रेड एंड रेड लाइट इन द लो फ्लोरेंस रेंज, क्योंकि उसमें फाइटोक्रोम बी तो मौजूद था ना, ए मौजूद नहीं था, तो उन्होंने जो है वो जर्मिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो तो नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उसमें ब्लू लाइट को सेंस करने वाला जो फाइटोक्रोम बी था वो मौजूद था, लिहाजा उसकी जो रिस्पॉन्सेज थे वो उनके लिए नॉर्मल थे. एंड सेम इज द केस ऑफ द फाइटोक्रोम बी. सिमिलरली इस जो स्लाइड है इसमें बताया हुआ फाइटोक्रोम बी के बारे में, जैसे फाइटोक्रोम ए के बारे में बताया कि दैट मीडिएट द रिस्पॉन्सेज इन द फॉरवर्ड रीजन, तो फाइटोक्रोम बी के बारे की डिटेल बताई हुई है कि इसके म्यूटेंट्स बना के और उनके मैसेंजर आरएनए और उनके प्रोटीन को जो है वो ऑब्जर्व किया गया, और उनके म्यूटेंट्स से जो हमारी स्टडीज हैं वो बताती हैं कि फाइटोक्रोम बी बी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द प्लांट रिस्पॉन्सेज टू शेड ट्रीटमेंट, और रेड एंड वाइट लाइट को जो है उसमें रहते हुए जो है ये ज़्यादा आप कह लें कि उसको ये एब्जॉर्ब करके और उसके इन रिस्पॉन्स जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है फाइटोक्रोम के उसको प्ले करता है, और वेजिटेटिव जो कैनोपीज हैं उसके अंदर जो रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको देखा गया है कि दे आर डेफिशिएंट इन फाइटोक्रोम बी. क्यों? क्योंकि रीज़न आपको पता ही है कि रेड एंड जो ब्लू लाइट है वो कैनोपी की शेड में तो नहीं पहुंचती ना, दैट इज़ वाई भी फाइटोक्रोम बी कहाँ से डेवलप होगा और कहाँ से उसको जो है रिस्पॉन्ड करेगा. तो इसी वजह से फिर उनकी उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनमें फिर आप समझ लें कि फाइटोक्रोम बी जो वो डेफिशिएंट होता है, और आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट मीडिएटिंग द रिस्पॉन्सेज टू वेजिटेटिव शेड एज सच एज द एक्सेलरेटेड फ्लावरिंग एंड इंक्रीज्ड इलोंगेशन ग्रोथ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फाइटोक्रोम्स बी, जो कि इसको बताता है कि हमारे पास रेड एंड वाइट लाइट जो है वो नहीं आ रही, तो जल्दी जल्दी अपने फ्लावर प्रोड्यूस करो, जल्दी जल्दी जो है आप कह लें कि वीक सी स्टेम इलोंगेटेड बना के और अपना लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करता है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स इटियोलेशन के जो प्रोसेस है उसमें भी जुमरे में ले जाते हैं कि उसकी तरह बिहेव करता है प्लांट शेड में, तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ द फाइटोक्रोम बी. सिमिलरली फाइटोक्रोम सी के बारे में, सी डी और ई के बारे में रोल्स के बारे में भी जानने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में अभी हम हतमी कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि इनके बारे में स्टडीज़ जो है अभी बहुत कम है और नंबर ऑफ़ स्टडीज़ आर गोइंग ऑन, जिसके बारे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में भी मतलब आप कह लें कि पूरे वसूख के साथ कोई बात कर सकें जैसे हम फाइटोक्रोम ए और बी के बारे में करते हैं. लेकिन ये मानना है कि ये सी डी और ई जो हैं ये आपस में मिल के काफ़ी सारे पाथवेज जो हैं उनके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, और इनमें से कोई एक भी अगर प्रेजेंट ना हो तो दूसरे जो दो हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं टू प्ले दोज रिस्पॉन्सेज. तो यू कैन से कि फाइटोक्रोम ए और बी जो है वो ज़्यादा लीड कर रहे होते हैं इनमें से, और सी डी और ई जो हैं ये आपस में मिलके किसी फंक्शन को जो है रिस्पॉन्स को देने के लिए जो है वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट बेटा हमारा है फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग पाथवे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि सिग्नलिंग क्या होती है. लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट की ब्रेक लूंगी, इफ़ यू अलाउ मी, कि मैं बोल बोल के थक गई. ठीक है, तो 5 मिनट्स की बेटा ब्रेक है, आप भी पानी शानी पी के आ जाएं, तो मैं उसके बाद आपको फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग जो है उसका पाथवे बताती हूँ. मैम 10 मिनट की ब्रेक ना कर लें, फिर हम नमाज भी पढ़ लें. बिल्कुल बिल्कुल कर लें, अच्छा याद दिला दिया, मेरी भी नमाज रहती है, मैं नमाज पढ़ के आपको दोबारा कॉन्टेक्ट करती हूँ. ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम. 6 बजे तक सारे आ जाए मैम. चलो ठीक है, 6 बजे तक आ जाओ, मैं भी नमाज ही पढ़ लूँ. ठीक है मैम, थैंक यू.